शहर भर में गड्ढे क्यों हो रहे हैं शहर भर में? आदाब। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है भिवंडी शहर का मशहूर रास्ता और मशहूर रोड भी, मुंबई आगरा रोड नेशनल हाईवे नंबर 3 भिवंडी शहर से होकर गुजरता है। और इस रास्ते की जो हालत है इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे सहयोगी सुल्तान से कहूँगा कि थोड़ा निचला हिस्सा दिखाएं। ये कंक्रीट है और ये पेवर ब्लॉक है। पेवर ब्लॉक और कंक्रीट रोड का जो मिलन है वो मिलन कितना खतरनाक होता है कि इसी पर बाइक वाले, एक्टिवा वाले या इस तरह की जो भी टू व्हीलर है फिसलती है। इसमें असल वजह ये होती है कि जो दाहिनी तरफ मेरा ये कंक्रीट का जो रोड है और बाईं तरफ नीचे पेवर ब्लॉक है, तो जब हाईवे गाड़ियां यहां से गुजरती हैं और दिन भर में एक दो गाड़ी नहीं कई हज़ार गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, तो एक टायर कंक्रीट पर होता है और दूसरा टायर इस पेवर ब्लॉक पर होता है। पेवर ब्लॉक के निचले हिस्से की जो ज़मीन है वो नरम है और हाईवे गाड़ियों की वजह से ये हिस्सा दब जाता है, इसलिए पेवर ब्लॉक का ये हिस्सा दबता है और कंक्रीट अपनी जगह पर मौजूद है। और इसी में ये दोनों के जॉइंट पर जब किसी बाइक का अगला चक्का पड़ता है तो वो गाड़ी स्लिप हो जाती है। इस तरह की घटना भिवंडी शहर में सैकड़ों की तादाद में रोज़ होती है और पूरे भिवंडी शहर में होती है, यहीं होती है ऐसा नहीं है। बहरहाल ये मामला मीडिया में आने के बाद यहाँ के जिम्मेदार नगर सेवक महबूब रहमान बबलू भाई जिन्हें आमतौर से कहते हैं, उन्होंने इंटरेस्ट लिया और इसका काम इस वक्त हो रहा है। रात में करीब करीब 3 बज रहा है, मगर भिवंडी शहर में इस तरह के एक दो नहीं सैकड़ों पॉइंट मौजूद हैं जहां आज भी बाइक वाले गिरते हैं। अब बात अगर करेंगे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की, तो इनके पास अपना कोई ऐसा उपक्रम नहीं है जिससे इन्हें रोज़ कुछ ना कुछ आमदनी होती हो, घर पट्टी और पानी पट्टी छोड़कर। पहले जब नगर पालिका थी तो इनके पास अक्ट्राय नाका था, उससे रोज़ की आमदनी होती थी। महानगर पालिका होने के बाद भी कई प्रोजेक्ट आए और LBT जैसे प्रोजेक्ट भी इनके पास थे, यानी रोज़ की आमदनी इनके पास थी, मगर अब ऐसा कुछ है नहीं। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ये जो कहानी है कितनी ख़तरनाक है कि जो पैसा केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आता है उस काम में, जिस काम के लिए आता है ना करके उस पैसे को दूसरी तरफ घुमाया जाता है या बैंकों में पैसा रखकर उसका ब्याज जमा किया जाता है। बहरहाल भिवंडी शहर की जो कहानी है अब बदल चुकी है, क्योंकि 4.5 साल तो निकल चुका है और अब आने वाले दिनों में लगभग 6 ही महीना बचा है इलेक्शन होने को, और भिवंडी शहर की राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता सभी ताल ठोक कर मैदान में अपने घर से ढाबे तक का सफ़र कर रहे हैं और पैनल बना रहे हैं। पैनल सभी को बनाना है, चुनाव सभी को लड़ना है। हर पार्टियों का एक नारा है कि इस बार महापौर हमारा है, तो महापौर इस बार महानगर पालिका में कितने बैठेंगे वो बाद में देखा जाएगा, मगर शहर की जो हालत है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों को गंदा पानी मिल रहा है या शहर के हालात ख़राब हैं, मंत्रियों की रैलियां हो रही हैं, शहर में मंत्री आ रहे हैं, मंत्री जिस दिन शहर में मौजूद हैं यहाँ घर भी गिर रहा है, लोग मर रहे हैं, मगर मंत्री वहाँ तक ना पहुंचकर अपना दौरा करके वापस अपने शहर मुमरा चले जाते हैं या दीवा चले जाते हैं, मगर शहर की हालत को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है और इलेक्शन की सरगर्मियाँ भिवंडी शहर में बढ़ चुकी हैं। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फकरे आलम। हमारे चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी देखिए। थैंक यू।